कटी जांदी है चलांगा मारदी मनु याद आए तेरे यार दी मनु याद आए तेरे यार दी। पाटिया साहब भाई जरा धीरे धीरे चलाओ, मेरा तबादला मुंबई से दिल्ली हुआ है, दुनिया से तबादला मत करा देना, पीछे भाई समान समान है, बीवी शीवी है। ओ कुछ नहीं होता आपकी फैमिली को, बड़ी ठाठा गड्डी है मेरी। ओ क्या ठाठा गड्डी है, अभी अभी तो मुंबई से निकले हैं, तीन बार समान समान गिर चुका है, दो बार बीवी शीवी गिर चुकी है, दिल्ली पहुँचते पहुँचते पता नहीं क्या होगा। भौजी आप एकदम ठाठा हो जाओ, मैंने आपकी बीवी के साथ आपका सामान बांध दिया है, अब ना तो आपकी बीवी गिरेगी और ना ही आपका सामान। अच्छा मतलब पक्का है कि अब मेरी बीवी नहीं गिरेगी? ओहो मेरे पर यकीन नहीं है तो आप खुद एक बार ठाठा कर लो। अच्छा ठाठा मैं क्या भागवान हूँ, ठीक ठाक है, दिल्ली पहुँचो बताती हूँ। चलाओ जी चलाओ, जितनी तेज चलानी है चलाओ जी। तेज क्या चलानी है, अब तो गड्डी रोकनी पड़ेगी। क्या पंचर शंचर हो गया? नहीं पंचर नहीं हुआ, चुंगी आ गई है। चुंगी? रुको साइड में लगाओ, साइड में लगाओ, चलो। ओ भैया आराम से ब्रेक शेक लगाओ। कोई बात नहीं भाऊजी, चलो उधर 25 रुपए ठाठा कर दो। 25 रुपए क्यों? ओए टोल नाका है चुंगी। टोल नाका क्या होता है भाई? ले कभी बंबई से बाहर नहीं निकले क्या? ओ मैं कभी कार से बाहर नहीं निकला हूं, पहली बार निकला हूं भाई। चलो कोई बात नहीं, अब 25 रुपए दे दो उसको। अरे बढ़िया पटेल साहब, नमस्ते, क्या हाल है? ठाठा है ठाठा। कहाँ? बस दिल्ली जा रहे हैं जी, ये बाबूजी का ठाठा हो गया, ट्रांसफर हो गया। हाँ जी चलो 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 पटेल साहब, चलो शुरू करो। चलो किधर है, पहले 25 रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं जा सकते। क्यों भाई 25 रुपए किस चीज के? अरे भाई टोल देना पड़ता है ना, फ्लाई ओवर आया ना बीच में तो यूज किया होगा ना। फ्लाई ओवर? नहीं नहीं फ्लाई ओवर हमने यूज नहीं किया, हम तो नीचे से निकले थे, बल्कि जो राइट साइड में सड़क है ना उससे चले गए थे। बताओ ना भाटिया। अरे उससे क्या होता है, फ्लाई ओवर देखा तो था ना। आ, देखा तो था, कैसा लगा? ओ कमाल का बनाया जी, एकदम टिच। टिच बनाया ना, 2 25 रुपए क्या है, देखने का भी टोल लगता है। हाँ अभी हमें क्या पता, झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो, पैसे तो देने पड़ेंगे ना। ऐसे कैसे है जी, सरकारी रूल है भाई, 2 25 रुपए दो। 10 रुपए ले लो। यार 10 नहीं 25। 10 रुपए बहुत है यार। महाराज रसीद देगा वो? और रसीद नहीं चाहिए मुझे, 10 रुपए बहुत है भाई। रसीद नहीं चाहिए ना, सरकारी कर्मचारी हो। हाँ जी आपको कैसे पता चला? चल जाता है पता। चलो 15 रुपए दो। लो जी 15 रुपए, 5 का सिक्का है मेरे पास। मैं ना PWD में काम करता हूँ। अच्छा? हाँ मैं भी PWD में काम करता हूँ। आप पर PWD तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है ना, आपकी वर्दी तो नहीं। हमारा क्या है, PWD होता है पुलिस वसूली डिपार्टमेंट। चलो बढ़िया फालका खोलो। और फालका शालका काहे के लिए? अरे भाई देखना पड़ेगा ना कोई गैर कानूनी सामान ले जा रहे हो या नहीं ले जा रहे हो। चलो उतरो। चलो मुलायम राणा दरवाजा खोलो। ओ जी और इंस्पेक्टर साहब उसमें कोई गैर कानूनी सामान नहीं है। हमें अपना काम करने दो, चुप रहो तुम, समझे? ये क्या? वही तो जी फ्रिज है जी। सोफे पे फ्रिज बैठा है क्या? वो सोफे के ऊपर? ओ नहीं ये तो मेरी पत्नी है। पागल है क्या? नहीं पागल तो नहीं है जी। तो बांध के क्यों रखा है? दो बार चलते ट्रक से ठाठा हो गई थी। क्या बात है, सुधरेगा नहीं? इस महीने कितने को उड़ाया? ज्यादा नहीं, बस 5 और 5 10 और 2 नहीं 1.5 11.5 11.5 और एक के सिर्फ हाथ पैर ठाठा हुए थे जी। अच्छा जी हो गई चेकिंग शेकिंग? क्या हो गई, अभी सामान कहाँ उतारा है? मतलब पूरा सामान उतार के चेकिंग चेकिंग करोगे? ऑफ कोर्स, अंदर कोई स्मगलिंग का सामान हुआ तो? नहीं जी मैं तो सरकारी कर्मचारी हूँ, ट्रांसफर हुआ है, मैं आपको पैरों से स्मगलर दिखाई देता हूँ। पटेल साहब जाने दो, छोड़ो। क्या जाने दो, नहीं नहीं सामान तो पूरा उतरेगा भाई। ओ मुलायम और आने, चलो उतारो सामान उतारो, बीवी छोड़ के सब कुछ ध्यान से उतारना। और नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब देखो ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी भाई, मैंने 300 रुपए दे के बड़ी मुश्किल से मजदूरों के साथ सामान ऊपर चढ़ाया है। पाटिया साहब कुछ बोलो ना यार प्लीज। ये ऐसे नहीं मानेगा, 500 रुपए लेगा, मुझे पता है इसका रेट। कुछ तो कम कराओ यार। अच्छा ठीक है 450 रुपए दो, मैं बात करता हूँ। उधर देखिए 1 2 3 4 ये और ये 50 रुपए कहाँ गए? हां लो हो गया। ठीक है ठीक चलो। आप कहाँ आ रहे हो, आपके सामने नहीं लेगा वो, मैं देख के आता हूँ। पटेल साहब 1 2 3 असली है, एकदम ठाठा है। ठीक है भाई जाने दो। थैंक यू जी चलो चलो पारी। चलो कहाँ जी, चुंगी तो भर दो। चुंगी? तो सामने चुंगी दफ्तर है। तो मैंने देता चुंगी पुंगी? पुंगी नहीं लेते ये पुंगी बजा देते हैं जो इनकी चुंगी नहीं भरता। पर मैं क्यों दूं चुंगी? भौजी आपका ट्रांसफर हुआ है, आप जा रहे हो, मान लो 4 दिन बाद आपका फिर ट्रांसफर हो गया तो वापस आओगे ना, इन्होंने सारे सामान पे 4% ऑक्टराइट ठोक देनी है। पर मैं वापस क्यों आऊंगा, वो बड़ी मुश्किल से तो खिलाफ लाके मैंने ट्रांसफर कराया, वापस नहीं आता अब मैं। देखो जी मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ,
मान लो आपका ट्रांसफर हो गया चार दिन बाद, तो आप लोग की इन्होंने ठाठा कर देनी है। तो मैं क्यों आऊंगा वापस? देखो भाटिया कह रहा है वो मान जाओ, आर फॉर्म भर दो, वरना दो बातें होगी, या तो दिल्ली से आपका ट्रांसफर वापस मुंबई होगा या तो नहीं होगा। नहीं हुआ तो ठीक, मगर हुआ तो दो बातें होंगी, या तो पूरा सामान आप वापस लाएंगे, या तो सामान वहीं पर बेच के कैश लाएंगे। कैश लाए तो ठीक, मगर सामान लाए तो दो बातें होंगी, या तो ऑक्ट्रॉय लगेगा या तो नहीं लगेगा। नहीं लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और लगा तो दो बातें होंगी, या तो रसीद के साथ भरोगे या तो बिना रसीद के। अरे भाई रसीद के साथ भरना है या बिना रसीद के भरना है? भरना तो है ही ना, तो अभी भर दो ना। कहाँ भाई, कहाँ फॉर्म मिलता है बताए? पहले कह रहा था, आओ बता दो भाई। तू ठीक रहना जरा। ओ मुलायम चलो दरवाजा बंद करो। सुनिए यहाँ कहीं लेडीज टॉयलेट है? लेडीज टॉयलेट तो नहीं है, हाँ कॉमन टॉयलेट है। कहाँ? जहाँ बना लो। क्या? हेलो, यहाँ तो लाइन लगी हुई है। ठा ठा लग जाओ लाइन में, नंबर आएगा तो फॉर्म भर देना, मैं अभी आता हूँ। अबे मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है? बहुत ही सवेरे से पेट में बड़ी ठा ठा हो रही है ना। टॉयलेट जाना? ना ना, वो वाली नहीं, भूख वाली ठा ठा। अच्छा जल्दी आ जाना। चलो भाई साहब, चलो 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 आगे चलो। आगे बढ़े तो चलू ना मैं। ये लेडी कर क्या रही है भाई, कर क्या रही है, इतना टाइम क्यों लगा रही है? चलो 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 चलो। कहाँ जाओगे? जी गुजरात जाना। वापस कब आओगे? एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते बाद? एक मिनट, ये लो 7 दर्जन पापड़। ये एक हफ्ते में तो नहीं बिकेंगे? अरे नहीं बिकेंगे तो खुद खा लेना, घर के बने हुए 105। चलो चलो भाई चलो चलो। और भाई साहब जल्दी करो भाई, पैसा नहीं जेब से निकल रहा है। क्या है, कहाँ जाओगे? जी दिल्ली। गुड, ये लो 50 दर्जन पापड़, दिल्ली में खूब बिकेंगे। तो मैं क्या करूं? अरे जाओ खाओ, लेके जाओ बेचो। अच्छा खाओ जाओ। चलो ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। आप एक फॉर्म दे दीजिए। फॉर्म तो देती हूँ, पहले 750 तो दो। 750 पर फॉर्म तो फ्री है ना? फॉर्म फ्री है पर पापड़ नहीं ना। पापड़ अभी अभी तुमने खरीदे हैं? मैंने बेचे हैं। किसे? तुम्हें। कब? अब। ये अच्छा अच्छा ये बेची। अच्छा मुझे तो लगा था कि आपने गिफ्ट शिफ्ट दे दिया है। हाँ जी रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन नहीं तो फिर मैं तुम्हें गिफ्ट क्यों दूंगी? लाओ 750। आज फूल्स डे है। नहीं तो फिर मैं आपसे क्यों खरीदूंगा ये पापड़? है मुझे पापड़ वापड़ नहीं चाहिए। फॉर्म दो फॉर्म आप। अच्छा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट चेक कैसे है? आप फॉर्म दो मुझे, अजीब दादागिरी बना रखी है यहाँ पे। आप ऑफिस में काम करती हो, क्या करती हो, धंधा करती हो आप, और शर्म नहीं आती आपको? क्या कहा तुमने, मैं धंधा करती हूँ? हाँ हाँ धंधा ही तो करती हो आप। क्यों? इससे पहले कि मेरा हाथ से हाथ उड़ जाए, आप ये बताओ कि आपने ये मुझे थप्पड़ छप्पड़ क्यों मारा है? मुझे धंधे वाले क्यों कहा आपने? और मैंने कब आपसे धंधे वाली कहा? झूठ बोलते हैं आप, मैं वहां बैठ के सुन रहा था, आपने इनसे कहा कि आप धंधे वाली हैं? नहीं धंधे वाली नहीं, मैंने कहा आप धंधा करती हैं, मतलब पापड़ छापड़ का धंधा करती हैं। भाई मैंने वाला धंधा थोड़ा ही कहा है। पक्का? पक्का मतलब मेरी तरफ से तो पक्का है, आप आपस में डिसाइड कर लीजिए। तो फिर सॉरी है। तो सॉरी तो आपने कह दिया, पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लेडी ना होती ना, आपकी जगह पे कोई जेंट शेंट होता जैसे ये भाई साहब, तो मैंने ना यहाँ से खेत के थप्पड़ यूं मार देना था। ओ सॉरी सॉरी भाई साहब, बहुत जोर से तो लगा। इट्स ओके, लेकिन आइंदा ऐसे थप्पड़ मत मारिए। मतलब कैसे? ऐसे। तो जी आप 750 रुपए हुआ, मेरे को फॉर्म दे दो। केलो 700, केलो 50। थैंक यू। फॉर्म भरो। ये काम तो यही है, फॉर्म भरवाना है। कोई खराब नाम हो? ये काम तो यही है, फॉर्म भरवाना है। अबे जेंटलमैन, व्हाट इज योर नेम? ये मुसतीलाल गंडोत्रा। ये नाम है? हाँ जी, आपको क्या लगा? हमको लगा साउथ अफ्रीका स्टेशन है कोई किसी का कहीं। बोलो कहाँ जा रहे हैं? जी तबादला शबादला हो गया है। कहाँ? दिल्ली शिल्ली। अच्छा अच्छा, तो क्या क्या सामान ले जा रहे हैं? अब सामान तो वही जो कार शार का सामान है जी। हाँ तो बोलिए ना क्या क्या है, विस्तार से बताइए। चलिए लिख लीजिए, सोफा शोफा है। सोफा। मशीन शशीन है। मशीन शशीन। फ्रिज विज है। फ्रिज उरिज। टीवी शीवी है। टीवी शीवी। बर्तन शर्तन है जी। बर्तन शर्तन। और कुछ कपड़े शपड़े वगैरह वगैरह है जी। कपड़े शपड़े ये लीजिए, हम साइन कर दिए, अब जो है पांडे जी से जाकर के अंडर साइन करवा लीजिए। पांडे जी के पास? ये लीजिए, बताइए डिपॉजिट। डिपॉजिट 5000। 5000 किस बात के? अरे कहा ना डिपॉजिट, ऑक्ट्राई अधिनियम 6328404 और 9820296051 के अंतर्गत मुंबई से बाहर जाने वाली किसी भी वस्तु पर 5000 रुपए डिपॉजिट लिया जाता है, और अगर वो अंदर आए तो। पाठिया, ओ पाठिया देख यार। ओ बौरिया, आप अभी तक यहीं पे हो, मैं आपको कहां कहां ठा ठा कर रहा हूँ।
पांडे जी नमस्ते। नमस्ते। ये 5,000 रुपए डिपॉजिट मांग रहे हैं भाई। वो तो रिबाउंडेबल होता है। हाँ वो वापस हो जाएगा। कब वापस होगा? जब लौटेंगे। जब लौटूंगा? ना ना ना, मैं नहीं देता डिपॉजिट कोई। पांडे जी कुछ करो ना, आप भी सरकारी नौकर, ये भी सरकारी नौकर, आपस में कुछ ठाठा कर लो ना। ओके 2,000, लेकिन डिपॉजिट लिखेंगे 1,500। ना 1,500 पर डिपॉजिट लिखेंगे 1,000। लिखना है? लिखना तो आपने है। नहीं, आप भी लिख सकते हैं, आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, हम भी सरकारी कर्मचारी हैं। शुक्ला जी, क्या बात है पांडे जी, जरा इनका सामान टैली करिए तो, जो फॉर्म में भरा वही ले जा रहे हैं ना। अरे टैली क्या करना है, हमने ही तो लिखा है। अरे कभी कभी तो ड्यूटी कर लिया करो। ठीक है, कहाँ सामान है आपका? वहाँ है ट्रक में। आ जाओ, आ जाओ। काम खा ये जी ट्रक, करो जो चेक करना, करो फटाफट। चेक तो हमने अंदर ही कर लिया था भाई, अब बाहर लाए तो निकालो एक एक सामान। ओ क्या, एक एक सामान से उतरवाओगे आप? ये 50 रुपए लो, बस साइन करो और ओके करो, बस बात खत्म करो। ठीक है, मेरा क्या, चलो जी। अजी ओके, थैंक यू। ओ जाने दो ट्रक को। ओ बाऊ, ओ मसद्दी बाऊ, उठ जा भाई। वो क्या हुआ, दिल्ली शिल्ली आ गया? और दिल्ली क्या, तेरा घर आ गया भाई, उतरो अब। ओ भगवान। और तेरी भगवान नहीं है, मेरी भगवान है। ओ भगवान, चल भाई उतर, घर आ गया। और चलो जी उतरो भगवान, दिल्ली शिल्ली आ गया, घर शहर आ गया, तैयारी श्यारी कर लो उतरने की। मुझे उतारो। ओ उतारता हूँ, मजदूर शजदूर लाने पड़ेंगे। पाड़िया साहब, चलो भाई सामान सामान उतारना शुरू करो। बहुत जी ऐसे कैसे, पहले रोटी शोटी तो खिला दो यार। और रोटी शोटी भी खिला देंगे, पहले सामान सामान तो उतार। साहब ये मुसद्दी लाल गंडोत्रा यहीं रहते हैं क्या? रहते तो नहीं है, रहने के लिए आए हैं। लो जी, उनसे पहले उनका लेटर आ गया। कमाल है भाई, मेरे आने से पहले मेरा लेटर शटर भी आ गया। कमाल है, आप तो बड़े फेमस हो भाई। क्या 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 हुआ? और भाई ये तो वापस मुंबई ट्रांसफर हो गया है। क्या? हाँ, और परसों ज्वाइन शाइन करना है। ले फिर तो अभी निकलना पड़ेगा। तो निकलो। ओ बाऊ, ओ मुसद्दी बाऊ। तो क्या है? 25 रुपए दे दे यार। किस बात के? अरे भाई नए फ्लाईओवर बने हैं ना मुंबई में, उसको यूज करेंगे ना, उसका टोल। पर उसका टोल तो दिया था। अरे मगर वो गए थे, वो जो फ्लाईओवर यूज किया था उसका दिया था, अब जो यूज करने जा रहे हैं उसका मांग रहे हैं भाई। ना ना, फ्लाईओवर तो हमने यूज ही नहीं करना है, हम तो नीचे से निकल जाएंगे। अरे मगर जाओगे तो फ्लाईओवर के नीचे से ही ना, फ्लाईओवर होता ही नहीं तो किसके नीचे से जाते, किसके साइड से जाते? भाई यूज तो कर रहे हैं ना, दो 25 रुपए दो। अरे ये लो भाई, 15 रुपए ले लो, रसीद नहीं चाहिए, दे भाई। अच्छा ओके, वेरी गुड, लाओ। ठीक है चलो भाई, साइड में लगाओ। ओ साइड पे क्यों? ओ चेकिंग करनी है उन्होंने। चेकिंग क्या? चेकिंग करनी है, चलो खोलो जल्दी, फटाफट फटाफट। ओ ओ देखो पटेल साहब मेरी बात सुनो, इसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं है, जो सामान सामान लेके गए थे वही सामान वापस लेके आए। भाई हम कैसे यकीन मान ले, पूरा सामान उतारना पड़ेगा, क्या है महाराष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। देखो जी 7 दिन हो गए सफर शफर करते हुए, मतलब बंदे का तो बैंड शैंड बजा हुआ है, मेरा रफा दफा करो अब। अरे भाई ऐसे कैसे करते हैं? वो जैसे जाते हुए किया था। ओ पार्टिया, वो लेके जाओ ना कोने में पटेल साहब को। ला यार दो 450 रुपए। ये ले, एक दो तीन चार, ये पकड़, 50 का नोट भी देता हूँ, ये ले 50 का नोट, चल अब मैं देखूंगा अभी नहीं। लो पटेल साहब 300 रुपए। अरे शाबाश, हो गया पलटू। हाँ हाँ अब लड़ जाओ। हाँ जी जाओ, ठाठा कर जाओ। जाऊँ जी? अरे ऐसे कैसे, पहले ऑक्ट्रॉय फॉर्म भरो, ऑक्ट्रॉय इंस्पेक्टर से साइन ले लो। और कौन सा फॉर्म? वही जो जाते टाइम भरा था यार। ओ हाँ, मैंने तो डिपॉजिट भी वापस लेना है। ओ बाटिया, ओ थैंक यू वेरी मच भाई, तूने ना कहा होता ना तो मैंने वो फॉर्म नहीं था भरना, और इन लोगों ने ना मेरे अपने सामान पे ही ऑक्ट्रॉय शॉक्ट्रॉय तो लगा ही लेना था। तो अब कौन सा छोड़ देंगे? है अरे मैडम बोलो, कहाँ जाना है? ये जाना नहीं, मैं तो वापस आया हूँ। यही तो, फिर यहाँ क्यों आए हो? वो ऑक्ट्रॉय इंस्पेक्टर साहब के सिग्नेचर लेने थे और डिपॉजिट वापस लेना था। वो तो पांडे जी देंगे। पांडे जी? पर पांडे जी तो अपनी सीट पर दिखाई नहीं दे रहे ना। दिखेंगे अभी। वो कब दिखेंगे? जब मैं बुला के लाऊंगी। वो आप कब बुला के लाओगे? जब तुम मेरे पापड़ भरोगे। पापड़ भरोगे ना जी? मैंने तो समझ लो कि भरना शुरू कर दिया है। मैं अभी आई। भर
दिए क्या? हाँ जी बस भरी दिए हैं। पांडे जी को बुला लाइए आप। मुझे क्या पता, मैं क्या उनके असिस्टेंट हूँ? अरे पांडे जी, पांडे जी। हाँ जी बोलो। और जी मैंने वो डिपॉजिट रिटर्न लेना था। क्या डिपॉजिट रिटर्न मांगना? हाँ हाँ, मैं वापस आ गया हूँ ना। एक्स्ट्रा सामान क्या क्या लाया? नहीं एक्स्ट्रा सामान तो कुछ नहीं लाया, बस जो सामान लेके गया था वही वापस लेके आया हूँ। तो ऑक्ट्राई कितना भर रहे हो? ऑक्ट्राई किस बात का, मैं तो कोई सामान लेके नहीं आया। और दूसरा कुछ भर दो लमसम। लमसम क्यों भरूं, मैं कोई नया सामान लाया नहीं, जो सामान लेके गया था वही सामान वापस लेके आया हूं। लिस्ट है? हाँ ये देखिए ना, सिग्नेचर है इस पे शुक्ला जी के। नहीं नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो भरना पड़ेगा। सामान कितने का? ये 3-4 लाख रुपए का होगा। 3-4 लाख का 4, 10% 4, 16 10,000 भर दो। ऐसे घूर क्यों रहे हो? 5 भर दो। क्यों भरूं? आपको चेक करना है तो चेक कर लो, मैं कोई चीज लेके नहीं आया बाहर से। चेक कराना भारी पड़ेगा। अरे आप चेक शेक तो कराओ। शुक्ला जी क्या बात है पांडे जी, जरा इनका सामान चेक करिए, ये चेक कराना चाहते हैं। ठीक है सामान ट्रक से उतरवाइए। क्या? लो जी सारा सामान उतरवा लिया ट्रक से, अब आपने जो चेक शेक करना कर लो, जो टैली शैली करना कर लो जी। भाटिया जो जो मैं सामान पढ़ू ना चेक करता जियो। ओके शुक्ला जी भाई, हेल्प शेल्प करो मेरी। हाँ हाँ सोफा 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 है, सोफा नहीं है। सोफा कहाँ छोड़ा है? नहीं नहीं वो तो मैंने ऐसे लिख दिया था, सोफा वोफा तो है ही नहीं। टीवी शिवी? टीवी है शिवी नहीं है। फ्रिज व्रिज? फ्रिज है व्रिज नहीं है। गैस वैस? वैस नहीं है गैस है। बर्तन शर्तन? बर्तन है शर्तन तो दिखाई दे रहे। कपड़े सपड़े? कपड़े है सपड़े कहाँ छोड़ा है? दिल्ली छोड़ा है शायद। बस यही सामान है जो यहाँ से ले गया था, बाकी सारा सामान एक्स्ट्रा लाया है। बताइए कहता है ट्राई नहीं देंगे। और कार का सामान सामान लिख दिया था ना मैंने उसके अंदर। यही तो, फिर डिटेल में क्यों नहीं लिखा, सिर्फ सामान सामान से कैसे चलेगा? और डिटेल में कैसे लिखता, इतनी सी तो जगह थी, 4 लाइनें लिखने की उसके अंदर। सवाल नहीं उषा जी, एस्टिमेट लगाइए कितने का ऑक्ट्राई लगेगा। अरे एस्टिमेट क्या लगाना, 10,000 की अलमारी, 6,000 का वॉशिंग मशीन। नहीं नहीं वॉशिंग मशीन नहीं है, 10,000 की है। अच्छा ठीक है, 10,000 इसके, 10,000 उसके, 15 इसके, 25 इसके, और सब मिला के वही 2.5 लाख का सामान है। ऑक्ट्रा जी पेनल्टी लगेगा 10,000। 10,000? शुक्ला जी रसीद बनाइए। अरे नहीं नहीं, अरे क्यों मजाक कर रहे हैं आप, एक सेकंड शुक्ला जी रुकिए रुकिए। देखिए भाई ऐसा मत कीजिए आप, मैं तो यहाँ डिपॉजिट लेने के लिए आया हूँ, ये आपको दूंगा नहीं है सब मैं। एक मिनट बाबूजी, ठां ठां करने से कुछ नहीं होगा, मुझे बात करने दो। पांडे जी नया बंदा है, अच्छा बंदा है, रास्ते में खाना भी ठां ठां खिलाता हुआ लाया है, थोड़ा सा रहम करो। ठीक है आप रोज के आने जाने वाले हो, 8,000 में सेटल कर रहे हैं बगैर रसीद के। नहीं नहीं पर अभी तो 5,000 रुपए कह रहे थे। अरे वो चेक करने के पहले, अभी लेटेस्ट 8,000 रुपए मैंने दूंगा। देखो मुस्तदीलाल गंडोत्रा मान जाओ दे दो, वरना दो बातें हो जाएगी, या तो आपको आपका सामान मिलेगा या तो यहीं पड़ा रहेगा। मिलेगा कहाँ से, यहाँ पड़ा रहा तो दो बातें होंगी, या तो यहाँ पड़ा पड़ा सड़ जाएगा या हम उठा के ले जाएंगे। सड़ गया तो गया समझो, और हम उठा के ले गए तो। अरे भाई हमें ही उठा के ले जाना है तो अभी उठा लेते हैं। भाई ये वॉशिंग मशीन नई है ना भाभी जी, ये मेरी। अरे हाथ मत लगाना मेरे सामान सामान को। ऑक्ट्राई भर दो। ऑक्ट्राई शॉक्ट्राई नहीं भरूंगा। शुक्ला जी सामान सील कर दो। देखा पांडे जी, देखो जी बात यह है कि आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट सर्वेंट हो और मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट सर्वेंट हूँ, भाई हम लोगों को आपस में कुछ तालमेल रखना चाहिए, कोई भाईचारा तो होना चाहिए ना। अरे राजा जानी तभी तो कह रहे चारा डाल दो, भाईचारा बना रहेगा। चारा डाले बिना काम नहीं चलेगा ना। तो पाटिया जी बात करो यार कोने में जाके। मैं क्या करूं, हर कोने में आपका सामान पड़ा ठा ठा कर रहा है। अब कोने को छोड़ो, जो देना दवाना है बीच में दे दो। कितना दे दूं? जो बोल रहा है। आ जाओ जी लो 8,000 रुपए, ये पकड़ो आप। ठहरो दूसरी जेब में, ईमानदार आदमी हूँ मैं, ऐसे नहीं है, ये लो पकड़ो। और ये 1,000 रुपया रह गया, ये भी ले जाओ, 8,000 पूरा है। यही तो, और मेरे पापड़ पे ऑक्ट्रा दिल्ली से लाए हो ना। अरे वो तो मैं यहाँ से लेकर गया था ना। लेकिन लाए तो दिल्ली से हो ना। कितने दूं? दे दो 50 रुपए। और भाई सामान उतरवाया, बीवी उतरवाई। सामान चढ़वाओगे, बीवी चढ़वाओगे, कुछ हमें भी ठां ठां कर दो ना। बस अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। देखो ना इधर कुछ होगा ना। अरे क्या कर रहे हो, नंगा शंगाई करोगे? ये 10 रुपए मिल गए। शुक्ला जी और कुछ सामान तो नहीं है जो यहाँ से नहीं ले गए तो लाए? हाँ एक मिनट, एक सामान है जो लिस्ट में भी नहीं है और ट्रक में देखा वो भी नहीं है। क्या? ये तो गैस सिलेंडर है। हाँ तो ले एक गए थे, ला डबल रहे हो क्या? और ये गैस सिलेंडर नहीं है, ये तो मेरी वाइफ है। इनका भी ऑक्ट्राई लगेगा। इसका भी ऑक्ट्राई लगेगा। और इसका ऑक्ट्राई शॉक्ट्राई मैं नहीं दूंगा, इसको यहाँ रखना तो रख लो, तुम्हें ले जाना तो ले जाओ। नहीं 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 ठीक है हम छोड़ रहे हैं, तुम भी क्या याद करोगे। थैंक यू।